गुड मॉर्निंग क्लास 7th। पेरीमीटर एंड एरिया हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम पैरेललोग्राम पे आते हैं, ठीक है? तो यहाँ मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है? अब हमको इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, बी मल्टीप्लाई एच। यहाँ पे बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइट। ये पैरेललोग्राम है बच्चों, इसमें हमको ये क्लियर है, दिस इज द बेस, ये इसका बेस है। इसका हाइट हम कैसे निकालेंगे बच्चों? ये जो बेस है इसके ऑपोजिट साइड का जो है वर्टेक्स, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये इसका हाइट होगा, ठीक है? हाइट बेस के ऑपोजिट इस पॉइंट से, ठीक है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये हाइट होगा। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो गया बच्चों, बी मल्टीप्लाई एच, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं ट्राइंगल पे। सपोज ट्राइंगल का हमको अगर एरिया फाइंड करना है, सबसे पहले हम यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अब अगर हम इससे कंपेयर करें बच्चों, तो ये आपको दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है? ये दिख रहा है आपको, ये एक ट्राइंगल बन चुका है परपेंडिकुलर से, ये वाला पोर्शन। तो ये बी इंटू एच था, बेस इंटू हाइट था। तो ट्राइंगल का अगर हम फाइंड करते हैं, ये वाला ही ट्राइंगल मैं सब ये बनाती हूँ, आपको इजी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो ये हो गया, ये बी इंटू एच था पैरेललोग्राम का, और इसका हो जाएगा बच्चों हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है? हाफ बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है? ये हमारा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई हाफ बेस इंटू हाइट का हाफ। ओके, ये स्क्वायर हो चुका है हमारा, रेक्टेंगल हो चुका है, पैरेललोग्राम हो चुका है, ट्रायंगल हो चुका है। अब ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एरिया है। अब आप बोलोगे ट्रायंगल का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करें? सपोज, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, इसका तीनों साइड का सम कर लो आप, ठीक है? सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है इसका सारी साइड्स का सम, तो ये हो गया 2 + 2 + 2, 6 सेंटीमीटर, ठीक है? अब नेक्स्ट लास्ट हम आते हैं बच्चों सर्कल पे, ठीक है? सर्कल, सर्कल का बच्चों, सर्कम जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कल के पेरीमीटर को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, सॉरी, ये सर्कल है, ठीक है? अब हमको सर्कल का बच्चों ये निकालना है, सर्कमफेरेंस पेरीमीटर, ठीक है? ये कैसे निकालेंगे हम? ये सर्कल का एक पॉइंट है, ठीक है? ये बच्चों ये हो गया, पॉइंट से और सर्कल के किसी भी एच पे जाके इसको जोड़ना, कनेक्ट करना, तो ये हो गया इसका रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस आर। ओके, और इस पॉइंट्स को सर्किल के सेंटर को मिलाते हुए जो भी हम लाइन करेंगे, खींचेंगे, ये बन गया बच्चों इसका, जो सर्किल के मिड से होके पास हो रही है, इस लाइन को हम बोलेंगे डी, डी फॉर डायामीटर। ये हो गया बच्चों डायामीटर, ये सेंटर से होके जाता है, ये जरूरी नहीं है इस तरह से जाए बच्चों, ये वाला अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये भी डायमीटर होगा, ठीक है? अब सबसे पहले हम देखते हैं सर्कमफेरेंस, इसको चारों तरफ इसको हम कैसे निकालेंगे। सपोज मैंने एक धागा लिया, उस धागे को बच्चों मैंने राउंड 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 करके लगा दिया, फिर उसको आप एकदम सीधा करोगे तो जितना भी उसका मेजरमेंट होगा वो उसका सर्कमफेरेंस होगा। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सर्कल में हम पेरीमीटर को ही सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सर्कमफेरेंस इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है? पाई का वैल्यू बच्चों पता होगा, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, 22/7 होता है, या 3.14 के अप्रोक्स होता है। तो 2 मल्टीप्लाई दिस 1 पाई मल्टीप्लाई आर, जो भी ये रेडियस होगा, रेडियस ये वाला, ठीक है? इसी तरह सर्कल का एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, ठीक है? पाई का वैल्यू पता है आपको, ये वाला पुट करना है,
और आर हो गया आर आर स्क्वायर, मतलब आर मल्टीप्लाई आर, रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। तो बच्चों पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल, ये आपको आप खुद से इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।